मेरे प्यारे मित्रों, हमें पता है पूरा विश्व आज कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन कुछ गलतफहमियों का लोग प्रसार कर रहे हैं। उन गलतफहमियों की वजह से कोई कोरोना बाधित भी हो सकता है। हमें सरकार ने दिए हुए सूचनाओं का पालन करना चाहिए, ना कि गलतफहमियों का। तो आज मैं आपको वो कौन सी गलतफहमियां है वो बताने वाली हूँ, उसे आप कृपया ध्यान से सुने और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि गलतफहमियां दूर हो जाए। ये सब मैंने अंतर्राष्ट्रीय आरोग्य संस्था के वेबसाइट से लिया है। तो दोस्तों, पहली गलतफहमी ये है कि दारू से हम कोरोना से बच सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। हम दारू से कोरोना से नहीं बच सकते, बल्कि दारू हमारी सेहत को हानि पहुंचा सकती है। इसलिए कृपया दारू का सेवन ना करें, उससे कोरोना नहीं मरता। दारू की बोतल को अपने से 10 फीट की दूरी पर रखें। दूसरी गलतफहमी है, लहसुन खाने से, लहसुन यानी गार्लिक, आप जानते ही हैं, हम कोरोना से लहसुन खाने से बच सकते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। हमें पता है लहसुन हमारे सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन इससे कोरोना नहीं मरता। इसलिए लहसुन खाए, लेकिन ये भी ध्यान में रखे कि इससे कोरोना नहीं मरता। तीसरी गलतफहमी है कि मच्छरों से कोरोना का फैलाव होता है, मच्छर काटने से कोरोना हो सकता है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। मच्छरों से कोरोना का फैलाव नहीं होता। कोरोना का फैलाव लोगों से होता है, लोगों के छूने से, उनके खांसने से, उनके छींकने के बाद उनके जो ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, उससे, उसके संसर्ग से आपको वो हो सकता है। इसलिए आप अपने आप को लोगों से दूर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। चौथी गलतफहमी है कि गर्म वातावरण में कोरोना का फैलाव नहीं होता। ये भी बिल्कुल गलत है। कोरोना का फैलाव गर्म वातावरण में भी होता है। गर्म वातावरण में कोरोना विषाणु का आयुर्मान यानी लाइफ स्पैन जो रहता है वो कम हो सकता है, लेकिन वो गर्म वातावरण में भी होता है, ना कि सिर्फ ठंडे वातावरण में। कोरोना का विषाणु 8 से 10 घंटों तक सरफेस पे जिंदा रहता है दोस्तों, फिर वो धीरे धीरे गायब होता है। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। पांचवी गलतफहमी ये है कि कोरोना केवल बूढ़े लोगों को ही होता है। ये भी गलत है। कोरोना सभी वर्ग के लोगों को होता है, ना कि बूढ़ों को। अभी सुबह में मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है जिसमें सिर्फ 3 महीने के बालक को, 3 महीने के बच्चे को, जो बहुत ही इतना छोटा है कि अभी तक तो वो माँ की गोदी से उतरा भी नहीं है, उसे कोरोना की लागत हो गई है। तो ये बात सही है कि बूढ़े लोगों को ज़्यादा खतरा है, क्योंकि आप तो जानते हैं बहुत सारे बूढ़े लोगों को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की बीमारी या उसकी परेशानी पहले से ही रहती है। इसलिए कोरोना सभी वर्ग के यानी बच्चे, युवक, आदमी, बूढ़े लोगों को होता है। कोरोना किसी भी उम्र वाले को हो सकता है, किसी भी उम्र वाले को हो सकता है। छठी गलतफहमी ये है कि कोरोना होने के बाद हम बिल्कुल बच नहीं सकते, हमारा राम नाम सत हो जाता है। ये भी बिल्कुल गलत है। कोरोना एक भयभीत करने वाली बीमारी है, लेकिन सही उपचार लेने के बाद हम इससे बच सकते हैं। हमें डॉक्टर ने दी हुई सूचनाओं का पालन करना चाहिए। बहुत सारे मरीज उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं, ठीक हो रहे हैं। इसलिए डरिए मत, साहस रखिए, हिम्मत रखिए और सरकार का सहयोग कीजिए। सातवीं गलतफहमी ये है कि अगर आप 10 सेकंड से ज़्यादा सांस को रोक सकते हैं,
तो आपको कोरोना नहीं है। ये भी बिल्कुल गलत है। कोरोना शुरुआती के दिनों में पता नहीं चलता, हमें कुछ समय लगता है। इसके लिए अगर आपको कोरोना से इसलिए अगर आपको कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें, ना कि घर पे 10 सेकंड की सांस रोक पाने वाला धोखा ले। कोरोना के सिम्टम्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, अभी फिर से ध्यान से सुनिए। ड्राई कॉफ, हाई फीवर, टायर्डनेस और ब्रीदिंग यानी सांस लेने में तकलीफ या डिफिकल्टी होना। आठवीं गलतफहमी ये है कि गर्म पानी से अगर हम बात करते हैं तो कोरोना नहीं होता। ये भी गलत है। गर्म पानी से बात करने से आपके शरीर पर जो कोरोना के विषाणु है वो मर सकते हैं, लेकिन जो आपके शरीर के भीतर है, जो आपके शरीर के अंदर है, वो तो नहीं मर सकते ना दोस्तों। ज़्यादा गर्म पानी से बात करने से आपके स्किन को दिक्कत हो सकती है, इसलिए गर्म पानी से कृपया बात या स्नान ना करें। नवी गलतफहमी ये है कि अल्ट्रा वायलेट डिस इन्फेक्शन लैम्प से हमें कोरोना नहीं होता या इससे हम बच सकते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। यूवी रेडिएशन का प्रयोग ना करें क्योंकि वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इससे आपकी त्वचा को हानि तो पहुंच सकती ही है, इसलिए इसका प्रयोग कृपया आपके शरीर पर ना करें। दसवीं गलतफहमी ये है कि एंटीबायोटिक से कोरोना नहीं होता। ये तो सरासर गलत है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारता है, लेकिन कोरोना दोस्तों, कोरोना एक वायरस है, इसलिए डॉक्टर के एडवाइस के बिना एंटीबायोटिक्स का सेवन ना करें। कोरोना पर अभी तक कोई मेडिसिन नहीं निकला है। रिसर्चर्स अपना प्रयास कर रहे हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें और डॉक्टर के एडवाइस के बिना एंटीबायोटिक्स ना लें। कोरोना को आप कैसे पहचानेंगे यानी कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मैं आपको फिर से एक बार बता रही हूँ। इससे ड्राई कॉफ होता है, हाई फीवर रहता है, शरीर गर्म रहता है एकदम, और इससे टायर्डनेस यानी थकान होती है और आपको सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। कोरोना से बचना है तो घर पर रहिए, हाथ को पानी, साबुन या सैनिटाइजर से बार बार धोइए, और अगर जब आप हाथ किसी चीज़ को लगाते हैं और ज़्यादातर अगर आप बाहर से आए तो तुरंत अपना हाथ अपने नाक, मुंह या आंखों को ना लगाए और सरकार की सूचनाओं का पालन कीजिए। और याद रखें यह महत्वपूर्ण जानकारी, आपको अगर पॉसिबल हो तो अपने प्रियजनों को बताइए और उन लोगों से शेयर कीजिए। ये याद रखिए कि ये एक ऐसा युद्ध है जो कि अगर आप मैदान में नहीं उतरे तो ही जीत सकते हैं। इसलिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से खाइए पिए और सोइए। धन्यवाद।